जय हिंद सभी दोस्तों को, सभी भाइयों को एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस गुरु जी पे। स्वागत है आप सभी का। बच्चों आपका जो है लगभग मैंने दो पहले वीडियो बना रखा है इम्पोर्टेंट फॉर्मूला पे, जिसमें मैंने आपको कवर किया था सेट ट्रिग्नोमेट्री और हमने कैलकुलस का भी कवर किया था। आज आपका ऐसा ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें बच्चों को काफी दिक्कतें भी होती है स्टार्टिंग में, लेकिन बहुत आसान है क्योंकि कुछ फॉर्म्स हैं जिसको अगर आपने याद रखा तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों चलिए देखते हैं फटाफट से ये कौन से फॉर्मूले हैं और क्या हैं। बच्चों सबसे पहले अगर बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा स्लोप के बारे में कि स्लोप क्या चीज है। तो बच्चों स्लोप एक्चुअल में है क्या कि मान लो हमारे पास एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है और कोई एक लाइन है जो कुछ एंगल बना रहा होगा हमारे एक्स एक्सिस साथ, कुछ बना रहा होगा वाई एक्सिस के साथ। तो स्लोप एक्चुअल में है क्या? तो बच्चों स्लोप है हमारा जो भी लाइन है वो कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, और वो भी कौन सा एक्सिस? एक्स का, तो पॉजिटिव एक्सिस। वही आपका लिखा हुआ है इंक्लाइनेशन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसी को क्या कहते हैं स्लोप, यानी कि इस तरफ से जितना एंगल बना रहा है उसी को क्या बोलते हैं? उसका स्लोप बोलते हैं। और स्लोप को हम डिनोट किससे करते हैं? तो एम से डिनोट करते हैं। स्लोप किससे डिनोट करते हैं? एम से। इसको याद रखना। तो बच्चों एम इक्वल टू आप क्या, कुछ नहीं करना, जो भी एंगल गिवन है आप जो है 10 के साथ उसका लगा दो, जो भी आंसर आया वही आपका आंसर है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये आपका कोई एक लाइन है और ये एंगल बना रहा है 45 डिग्री। मान लो बच्चे ये 45 डिग्री बना रहा है तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा? तो बहुत आसान है, m इक्वल टू, मैंने अब जस्ट लिखा यहां पर जो लिख रखा है m इक्वल टू 10 थीटा, तो यहां पर 10 ले लो और जो ये थीटा है उसको ले लेने 10 45, और 10 45 कितना होता है बच्चों? तो 1 होता, और यही आपका क्या होगा? फाइनल आंसर होगा, स्लोप का फाइनल आंसर होगा। तो बच्चों स्लोप निकालने के अलग अलग मेथड है। तो सबसे पहला मेथड क्या है? अगर आपका एंगल दे रखा हो तो कैसे स्लोप निकालेंगे? तो एम इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अब अगर मान लो कि एंगल ना पता हो लेकिन टू पॉइंट पता हो कि हमारा कोई एक लाइन है, इसका कोई यहां पर मान लो यहां पर है x1 y1 पॉइंट और दूसरा पॉइंट हमारे पास x2 कोमा y2, तो इसका स्लोप क्या होगा बच्चों? तो इसका स्लोप होगा क्या? y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, और ये आपको सामने दे रखा है। तो ये भी हमारे पास दूसरा मेथड था। तीसरा है कि ना तो एंगल पता है ना ही टू पॉइंट पता हो लेकिन एक चीज पता है, वो क्या है? तो इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर आपका लाइन का इक्वेशन पता है ax plus by plus c equal to 0, तो बच्चों क्या करना है? हमारे पास स्लोप निकालने का तरीका क्या है कि x के साथ जो वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है वो ले लो, यानी कि a है तो a ले लो, उसके बाद माइनस मल्टीप्लाई कर दो और नीचे की तरफ जो y के साथ मल्टीप्लाई है उसको रख दो, यानी y के साथ क्या मल्टीप्लाई है? b, और यही आपका क्या हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा, अगर हमारे पास इक्वेशन पता हो तो। चलिए बच्चों, तो ये स्लोप का कुछ कॉन्सेप्ट था जो आपको मैंने बता दिया है। इन फॉर्मूले को ध्यान में रखना बहुत आसान है। अब बात करते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है। बच्चों अगर स्लोप पता हो और आपसे कहा जाए कि भाई वो जो है कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट कर रहा, मतलब ये कहीं ना कहीं वाई एक्सिस को कट कर रहा होगा, तो वो जो वाई जिस वैल्यू पे कट कर रहा है उस वैल्यू को सी बोलते हैं और वाई इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स मल्टीप्लाई कर दो, बस। कि हमारे पास स्लोप पता है, इंटरसेप्ट पता है, तो वो इक्वेशन क्या होगा लाइन का? वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होगा। बहुत ही आसान है, जिसको क्या बोलते हैं हम? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। जहां पर m क्या है? तो m है स्लोप ऑफ द लाइन, और c क्या है? तो c है y इंटरसेप्ट। c क्या है? y इंटरसेप्ट। वही अगर मान लो लिखा होता है x इक्वल टू वाई एम प्लस सी, तो क्या होता? तो बच्चों यहां पर जो है ये जो m है वो तो स्लोप है और ये जो c है अब वो x इंटरसेप्ट है। अगर यहां लिखा है x तो x इंटरसेप्ट, अगर लिखा है यहां पर y तो c क्या है? y इंटरसेप्ट है। बहुत आसान है। अब बात करते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म। अब क्या है, मान लीजिए आपको स्लोप पता है और एक पॉइंट पता है कि 1.2 पॉइंट होगा या 3.4 पता है, तो आपका इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे बनेगा? जो भी पॉइंट पता है, मान लो x1, y1 पॉइंट हमें पता है कोई सा, तो आपका इक्वेशन ऑफ लाइन कैसा बनेगा? वाई माइनस वाई वन ले लेना इक्वल टू में एम, स्लोप पता है, स्लोप जो भी है बस एम, एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, बस हो गया। यही आपका इक्वेशन बन जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन, जिसको क्या बोलते हैं? स्लोप पॉइंट फॉर्म बोलते हैं। तो बच्चों इन दोनों को ध्यान में रखना, स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या है और हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है। अब अगर बच्चों मान लो कि ना तो स्लोप पता है और ना ही हमारे पास पहले से गिवन है, सॉरी 1 पॉइंट पता है आपको, इसमें सिंपल दे रखा होगा 2 पॉइंट पता रहेगा,
एक पॉइंट नहीं बल्कि टू दो पॉइंट पता रहेगा आपको कि हाँ भाई एक पॉइंट है एक्स वन वाई वन, दूसरा पॉइंट है एक्स टू वाई टू। तो बच्चों स्लोप निकालना तो आता है ना, स्लोप निकालना क्या होता है वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन, और एक्चुअल में वही यहां पर लिखा हुआ है वाई माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन और फिर ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स वन, बस और कुछ भी नहीं है। मतलब सेम जैसा आपका फॉर्मूला था वहां वन पॉइंट फॉर्म का वाई माइनस वाई वन वाला, देखो यहां पर सेम वैसा ही है, बस एम के जगह का यूज किया है कि टू पॉइंट जो पता था उन टू पॉइंट का स्लोप, देखो y2 minus y1 upon में x2 minus x1। तो ये बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है, इन सारे फॉर्मूले को ध्यान में रखना, बहुत आसान है, आप आसानी से कर सकते हो बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इंटरसेप्ट फॉर्म। अब अगर आपको जो है ना कुछ भी नहीं गिवन है, पॉइंट वॉइंट कुछ नहीं गिवन है, बस ये गिवन है कि भाई कोई भी एक लाइन है जो क्या कर रहा है y एक्सिस को कहीं कट कर रहा है, x एक्सिस को कट कर रहा है, मान लो ये a पे कट कर रहा होगा, ये b पे कट कर रहा होगा, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा x के नीचे जहां पर x को कट कर रहा है, y के नीचे जहां पर y को कट कर रहा है, तो x by a plus y by b equal to 1, और इसी को क्या कहते हैं बच्चों, इसी को कहते हैं हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। अब नेक्स्ट अगर बात करें तो जनरल इक्वेशन, मान लिया आपको पता है जनरल इक्वेशन क्या होता है, ax plus by plus c equal to 0, ये हमारे पास लाइन का इक्वेशन है ax plus by plus c equal to 0, और इसको कहा जाए कि इसको कन्वर्ट करो किसके फॉर्म में, तो बच्चों इंटरसेप्ट के फॉर्म में। तो कुछ नहीं है, माइनस पहले तो माइनस साइन ले लो, माइनस के बाद ये जो c कांस्टेंट है उसके नीचे a को डिवाइड कर दो, उसके नीचे a को डिवाइड कर दो, और x के नीचे देखो x by a था ना, तो इसे एक जगह पर क्या आ जाएगा माइनस c by a plus y के नीचे जो y वाला था वैल्यू वो जो है इस c के नीचे डिवाइड कर दो, और माइनस साइन रखना है, तो y इक्वल टू माइनस c बाय b इक्वल टू 1, और यही आपका इक्वेशन रहेगा। कुछ नहीं किया, इस a और इस b के जगह पर रिप्लेस किया है, एक तो a बाय सॉरी c बाय a और एक बार c बाय b, माइनस का साइन लेना है बस, और कुछ भी नहीं है। इसको क्या बोलते हैं बच्चे, कन्वर्ट करना किसी भी जनरल इक्वेशन से इंटरसेप्ट फॉर्म में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या हमारे पास, नॉर्मल फॉर्म। बच्चों नॉर्मल फॉर्म क्या है कि मान लो आपका कोई भी एक है हमारे पास है, तो नॉर्मल क्या होता है एक्चुअल में, जो आपका बिल्कुल ही 90 डिग्री बना जाए, बिल्कुल ही किसी चीज पे परपेंडिकुलर, नॉर्मल फॉर्म एक्चुअल से है वो। तो उसके लिए क्या होता है, बहुत ही आसान फॉर्मूला ध्यान में रखना जरूर जरूर, फॉर्मूला अगर याद नहीं रहेगा तो बच्चे बात नहीं बन पाएगी, काफी डिफिकल्ट होगा चीजें। चलिए नॉर्मल फॉर्म क्या है, तो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, और ये p एक्चुअल में है क्या, मान लो ये लिखा, ये जो डिस्टेंस है इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, p बोलते हैं, क्या बोलते हैं p बोलते हैं, पता है ये 0,0 तो होगा ये भी ओरिजिन पे है, तो ये जो डिस्टेंस निकालोगे वही क्या होगा एक्चुअल में p होगा, इसको क्या बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। तो याद रखना x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, बहुत ही ज्यादा आसान है बच्चों। थोड़ा बहुत इसमें आप हो सकता है कि अल्फा एंगल वगैरह निकालने में दिक्कत हो, लेकिन ये भी दिक्कतें नहीं आनी चाहिए, एक बार रिवाइज जरूर अच्छे से कर लेना ताकि दिक्कतें ना हो। अब अगर बात करें नेक्स्ट हमारे पास, तो आपको कोई सा भी पॉइंट गिवन है, मान लो कि हमारे पास जो है ये हमारे पास एक्सिस वाई एक्सिस है, और कोई एक लाइन है, मान लो ये एक लाइन है, और आपको कोई एक पॉइंट दे रखा है, क्या पता वो पॉइंट इधर हो, क्या पता वो पॉइंट इधर हो, पता नहीं है, हमें पता नहीं है। तो वही आपको पता करना है कि पोजीशन ऑफ ए पॉइंट रिलेटिव टू अ गिवन लाइन, जो भी एक लाइन गिवन है उसके उसके थ्रू आपको जो पॉइंट है वो कहां पर है। मतलब क्या है कि आपका जो भी गिवन लाइन है उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे रिलेटिव टू में कि वो पॉइंट कहां पर है, क्या वो ओरिजिन की तरफ है उस लाइन से, मतलब इस तरफ जो ओरिजिन की तरफ होगा, या उस लाइन के दूसरे पार है जो ओरिजिन की तरफ नहीं है, आपको ये पता करना है। तो बच्चों इसके लिए क्या पता करना है, देखिए ध्यान से देखना है कि मान लीजिए आपके पास इक्वेशन गिवन है ax plus by plus c equal to 0, मान लीजिए इक्वेशन गिवन है, और आपका जो है पॉइंट दे रखा है कि टू गिवन पॉइंट्स, मान लो ये पॉइंट है p और q गिवन है, p पॉइंट और q पॉइंट गिवन है, जिसका वैल्यू क्या है x1 y1 x2 y2। बच्चों तो सबसे पहला चीज आपको देखने को मिले वो क्या है कि द टू पॉइंट्स आर ऑन द सेम साइड, ये दोनों पॉइंट जो है, ये दोनों पॉइंट जो है सेम साइड होंगे स्ट्रेट लाइन के। अगर ax जो आपका इक्वेशन है, अगर a x1 मतलब इस x की जगह पे पहला पॉइंट पुट करो जो x1 y1 है, x की जगह पे x1 y की जगह y1, और उसके बाद दूसरा पॉइंट पुट करो a x2 plus b y2 plus c, अगर इन दोनों का सेम साइन है, दोनों ही पॉजिटिव में है या दोनों ही नेगेटिव में है, अगर दोनों का जो है पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट करके अलग अलग देखे, अगर दोनों का सेम साइन होगा तो इसका मतलब क्या है कि वो दोनों जो है सेम साइड में होगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है बच्चों। नेक्स्ट अगर बात करें कि द टू पॉइंट्स आर ऑन द अपोजिट साइड, अगर आपको क्या करना है कि अब देखना है कि क्या वो दोनों पॉइंट एक ही साइड था, एक साइड के लिए क्या था कि सेम साइन हो,
अब देखना है कि क्या दोनों पॉइंट अपोजिट साइड है। तो बच्चों क्या होगा, दोनों पॉइंट को पुट करके देखना है अलग अलग, एक और पहले पी वाले को, एक और फिर दूसरे वाले क्यू वाले को। अगर दोनों का अपोजिट साइन है, एक मान लो प्लस में, एक मान लो माइनस में आया, तो बच्चों याद रखना है वो क्या होगा, अपोजिट साइड होंगे। एक एक साइड है तो दूसरा दूसरी साइड होगा, इस चीज का ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट, अगर बात करें कि मान लो कि एक पॉइंट है x1 y1 will lie on the side of the origin relative to a line इतना, if इतना and c have the same। मतलब क्या है बच्चों, कि अब आपको देखना है कि क्या वो पॉइंट ओरिजिन की तरफ है, इधर भी लाइन है तो लाइन का दो पार्ट बनेगा, एक तो उस तरफ एक दूसरे तरफ, तो लाइन से एक तरफ हो सकता है ओरिजिन हो और दूसरी तरफ कोई अदर पॉइंट, मतलब कि ओरिजिन ना हो, क्योंकि लाइन आपको मान लो इधर ओरिजिन है तो ओरिजिन तो एक साइड हो गया ना लाइन के, दूसरी साइड तो हुआ नहीं, तो आपको यह पता करना है कहां है। तो आपको क्या करना है, उस पॉइंट को इक्वेशन में पुट कर दो। अब पुट करने के बाद जो भी वैल्यू आया, जो भी वैल्यू आया, तो क्या वो पॉजिटिव है या फिर वो नेगेटिव है, तो जो भी साइन आया इसका वही साइन देखो, क्या हमारे पास सी का सेम साइन है। इस पूरे को पुट करने के बाद जो भी वैल्यू आया, मान लो उसका प्लस आया है और जो सी है वो भी प्लस में है, अगर सेम साइन है तो वो किधर होगा, ऑन द साइड ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन के तरफ होगा। बच्चों अगर सेम साइन है तो ओरिजिन के तरफ होगा, किसका किसका वैल्यू, एक और पॉइंट को पुट करो और उसके बाद सी का, जो सी का हमारा साइन है वो, और पॉइंट को पुट करने के बाद जो वैल्यू आया है अगर सेम साइन होगा तो वो किधर लाई करेगा, ओरिजिन की तरफ लाई करेगा। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, आपको आसानी समझ में आ रहा होगा। अब अगर वैल्यू को पुट करने के बाद इक्वेशन में और सी के साइन के इक्वल ना हो, एक प्लस में है एक नेगेटिव में है, तो याद रखना कि वो पॉइंट कहां लाई करेगा, लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन से अपोजिट होगा। मतलब ये लाइन है, इधर ओरिजिन है, तो वो पॉइंट उधर होगा ना कि ओरिजिन की तरफ होगा, इस इसका ध्यान रखना है। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है और बहुत ही मजेदार है, कई बार बच्चों को दिक्कत होती है कि ये पॉइंट कहां है कहां नहीं है, बहुत ही आसान है, तो इस चीज को आप आसानी से ध्यान में रख सकते हो। आशा करते हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट देखिए, अब आपको जो है मान लीजिए कि दो लाइन गिवन है और आपको देखना है कि वो दो लाइन कैसा है, क्या है वो दोनों लाइन, क्या वो पैरेलल है। अब पैरेलल कब होगा, जब हमारे पास a1 by a2, मतलब क्या, जो भी ये x के साथ कांस्टेंट था, और a2 क्या, जो दूसरे वाले x के साथ है मल्टीप्लाई, b1 क्या, जो पहले वाले इक्वेशन में y के साथ है, और b2 क्या, जो दूसरे वाले इक्वेशन के y के साथ है, और c1 c2 अलग अलग है भाई, c1 c2 मतलब पहले वाले का दूसरे वाले का। चलिए अगर ऐसा हो कि a1 by a2 निकाले और b1 b2 निकाले, वो आपस में इक्वल हो जाए, लेकिन c1 by c2 नॉट इक्वल हो, तो ऐसे लाइन में क्या बोलते हैं बच्चों, पैरेलल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन बोलते हैं। चलिए अब आगे देखिए भाई, फोर इंटरसेक्टिंग लाइंस, जब दो लाइन आपस में क्रॉस करेगा इसके लिए क्या कंडीशन है, तो बच्चों कुछ नहीं है, a1 by a2 निकालो, b1 by a2, क्या आपस में इक्वल आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है इक्वल तो बस कह देना इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास को इंसिडेंट लाइन। बच्चों ये को इंसिडेंट क्या है, एक लाइन है उसके ऊपर ही दूसरा लाइन आ गया, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को बोलते हैं को इंसिडेंट लाइन। तो याद रखना को इंसिडेंट मतलब क्या है, कि जहां मान लो एक लाइन है दूसरा लाइन भी इधर है, जो पॉइंट यहां पर है दूसरे का भी लाइन का उसी का पॉइंट होगा, दोनों के लिए सेम। फॉर एग्जांपल मान लो ये एक लाइन है और दूसरा कोई एक लाइन ले लेते हैं मान लो, तो जो भी ये येलो वाले के लिए पॉइंट था, जो भी येलो वाले के लिए पॉइंट है वही क्या है हमारे पास ग्रीन वाले के लिए भी, देख लो जो पॉइंट येलो वाले के लिए वही पॉइंट क्या है ग्रीन, इसी को क्या बोलते हैं को इंसिडेंट। तो इसके लिए क्या आपका हो जाएगा बच्चों, तो a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2, इसको क्या बोलते हैं को इंसिडेंट बोलते हैं, इस चीज का ध्यान रखना, बहुत आसान है। अब दो लाइन है, दो लाइन है हमारे पास, मान लो कुछ ऐसा होगा कुछ ऐसा होगा, ये कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा थीटा, कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा थीटा, और आपको निकालना क्या है, इसी थीटा का वैल्यू निकालना है, इसी थीटा का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकलेगा, तो बच्चों बहुत आसान है, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स मॉड ऑफ
एम टू माइनस एम वन, एम टू एम वन क्या है, मान लो इसका स्लोप है एम वन, इसका स्लोप है एम टू, इसी के बाद स्लोप ही तो हमेशा एम मतलब क्या है स्लोप है, तो एम टू माइनस एम वन अपॉन में वन प्लस एम वन इंटू एम टू। तो याद रखना जब भी एंगल निकालना हो तो टेन इनवर्स एम टू माइनस एम वन अपॉन में वन प्लस एम वन इंटू एम टू, वही क्या निकलेगा आपका एंगल निकलेगा किसके बीच, दो लाइन के बीच, दो स्ट्रेट लाइन के बीच आपको अगर एंगल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, कुछ इस तरीके से निकालेंगे। अब बात करते हैं कि जो आपने स्लोप का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो उसका कुछ ना कुछ तो यूज है, कहां कहां यूज है ये भी ध्यान से देखना। अगर दो लाइन का स्लोप आपस में इक्वल आ जाए, कि एक लाइन का निकाले मान लो टू आया, दूसरी लाइन का निकाले मान लो उसका भी टू आया, तो दो लाइन का अगर स्लोप सेम आता है तो याद रखना वो लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा, आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। तो आसान है कि कभी भी आपको क्वेश्चन में गिवन हो कि भाई दो लाइन पैरेलल है, एक का स्लोप जो है वो है 30 डिग्री, तो दूसरे का स्लोप क्या होगा, तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री होगा, दोनों का स्लोप आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो पैरेलल लाइंस के लिए क्या होते हैं हमेशा स्लोप आपस में इक्वल होते हैं। अब अगर दो लाइन का स्लोप निकाले और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर माइनस वन दिख जाए, क्या दिख जाए माइनस वन, तो बच्चों वो दो लाइन आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। याद रखना है दो लाइन का स्लोप निकाले, दोनों को मल्टीप्लाई किए और वो इक्वल टू माइनस वन हुआ, तो याद रखना वो दोनों आपस में कैसा होगा भाई, तो परपेंडिकुलर होगा। दोनों लाइन आपस में कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। याद रखना ये दोनों तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, दोनों का यूज बहुत ज्यादा होता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि भाई दो पॉइंट पता होगा आपको, दो पॉइंट पता होगा, मान लो इसका पॉइंट ये पता है, इसका पॉइंट ये पता है, बोलेगा परपेंडिकुलर है तो बताओ भाई इसका स्लोप क्या होगा, तो इन दो पॉइंट से स्लोप निकालेंगे और उसके बाद जो है M1 के जगह पर या M2 के जगह पर पुट करो, इक्वल टू माइनस वन रख देना और इसको उस तरफ भेज दो, तो दूसरे का स्लोप आ गया, परपेंडिकुलर का स्लोप आ गया, बहुत आसान है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास कि भाई लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम कोई भी पॉइंट का, परपेंडिकुलर जो है यानी कि लेंथ ऑफ पॉइंट कहां से, किसी लाइन से, कोई एक लाइन है, कोई एक पॉइंट है, इससे जो है इसका डिस्टेंस निकालना है, जिसको क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर होगा। डिस्टेंस क्या होता है एक्चुअल में, बिल्कुल जो बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा उसी को डिस्टेंस बोलेंगे। तो वो अगर निकालना है तो इस पॉइंट को मान लो इसका इक्वेशन गिवन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, मान लो भाई ये क्वेश्चन है, तो कुछ नहीं है, जो भी पॉइंट गिवन है वो एक्स के जगह पर वो पॉइंट, वाई के जगह पर वाई वन वैल्यू पुट करो प्लस सी, और नीचे में इस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर रूट के अंदर जो भी आया वो क्या आया, डिस्टेंस आया उस पॉइंट का, किससे, स्ट्रेट लाइन से। बहुत आसान है, जो भी पॉइंट गिवन है एक्स वन वाई वन, एक्स के जगह पर एक्स वन, वाई के जगह पर वाई वन पुट करो और प्लस सी, जो भी वैल्यू आया नीचे में इस रूट का स्क्वायर, रूट के अंदर इसका स्क्वायर बी का स्क्वायर, बस ये क्या निकलेगा आपका, डिस्टेंस निकालेगा। अब इसी में एक इंपॉइंट आता है कि किसी भी एक्स वाई कोई वैल्यू है उसका जो है पुट निकालना, मतलब ये वैल्यू निकालना कि ये वैल्यू कौन सा होगा। तो बच्चों आसान है कि जो भी पॉइंट गिवन है x माइनस एक्स वन बाई ए इक्वल टू y माइनस वाई वन बाई बी और इक्वल टू माइनस का जो भी पॉइंट गिवन था a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका विषय है क्या, जो भी इक्वेशन गिवन था उसी का कांस्टेंट है और कुछ भी नहीं है। बहुत आसान है, ऐसा करता है समझ में आया होगा। और उसी का अगर मिरर इमेज दिखे, मिरर मतलब क्या कि मान लेते हैं उसी का, मान लो ये यहां पर कोई पॉइंट था, इसका मिरर इमेज कहां पे होगा, यहां पे होगा, इसको मान लेते हैं h, k बना मिरर इमेज, तो बच्चों इसके लिए क्या हो जाएगा, h माइनस एक्स वन जो पॉइंट गिवन था अपॉन में a इक्वल टू k माइनस वाई वन अपॉन में b और इक्वल टू माइनस टू इंटू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में ए स्क्वायर, बिल्कुल सेम, बस टू मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका जो है सेंटर वो जो आपका है h कोमा k रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या हमारे पास, कंकरेंसी ऑफ थ्री लाइन, मतलब क्या है कंकरेंट होना तीन लाइन का। तो बहुत आसान है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ जो तीन लाइन गिवन था ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी वन, ए एक्स टू सॉरी ए टू एक्स वन, या पर एक्स एक्स ही रहने दो, सिर्फ ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू, ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री। तो इन्हीं का जो कॉन्स्टेंट टर्म है ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, ए थ्री बी थ्री सी थ्री, इनका डिटर्मिनेंट निकालो, अगर इक्वल टू जीरो आ जाए तो ऐसी लाइन को क्या बोलते हैं, वो तीनों लाइन आपस में क्या है, कंकरेंट है। ध्यान रखना यूजेज हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट बात करें पैरामेट्रिक फॉर्म, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या है बच्चों, बहुत आसान है, जो भी पॉइंट दे रखा है x माइनस x1 करो नीचे में cos थीटा इक्वल टू y माइनस y1 करो नीचे में sin थीटा और इक्वल टू r, जहां पर आपको बच्चों r क्या है, तो r कुछ भी नहीं है, r क्या है एक पैरामीटर है जिसको डिनोट कर रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन xy और x1 y1, मतलब xy जो पॉइंट है और x1 y1 जो पॉइंट है इनके बीच का डिस्टेंस है r और कुछ भी नहीं है। आशा करते हैं आप सभी को ये चीजें समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।